अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, यतीम, मासूम बच्चे, गरीब बच्चों का कोई सहारा नहीं होता। अगर कोई सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन सहारा देते हैं तो वो लाखों रुपए की फंडिंग करते हैं, चंदा मांग लेते रहते हैं, ये मासूम बच्चों के नाम पर लाखों रुपए ये भी खाते हैं। लेकिन एक ऐसा मदरसा जो कर्नाटका गुलबर्गा में है, अली मोहम्मदिया एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी की जानिब से लगातार पिछले 10-12 साल से काम को अंजाम देते हुए आ रहा है। अपने खर्च पर और अपने भरोसे पर ये मासूम गरीब बच्चों को तालीम दी जा रही है और सिलवाई पकवान जैसे ट्रेनिंग सेंटर भी इसमें चलते हैं, ताकि ये बच्चे अच्छा पढ़ सकें, अपने पैर पे खड़ा हो सकें और किसी का मोहताज ना बने। इस काम को अंजाम देने वाले इस ट्रस्ट के जिम्मेदार डॉक्टर शाहीन अब्बास पिछले कई सालों से काम को अंजाम दे रहे हैं। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की टीम को जब बुलाया गया तो वहाँ पर पहुँचे और वो बच्चों का जज्बा और वो बच्चों की जो ताकत और वो बच्चों की जो मासूमियत और वो बच्चों का जो जुस्तजू देखकर हैरान हो गए कि किस तरह से इतने कम उम्र में ये बच्चे इस तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और पूरे इस्लामी लिबास में ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये देखकर बड़ी खुशी हुई। आज के इस माहौल में जहाँ पर सिर्फ इस्लाम की बातें होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। बहरहाल सैयद अफजल, मोहम्मद शकील, मोहम्मद आदिल के साथ हम यहाँ पर पहुँचे थे और ये सारा मंजर और सारा नजारा देखकर बड़ी खुशी हुई। ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं जो बिना मफाद ऐसे काम को करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल डॉक्टर शाहीन अब्बास के अलावा उनके फर्जन अलियान और शेख मुजीब की देखरेख में काम को अंजाम दिया जाता है और पूरी ईमानदारी से, बेबागी से ये काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए S24/7 न्यूज चैनल का भी आगाज किया है जो कर्नाटका में शुरू हो चुका है और बहुत जल्द तेलंगाना हैदराबाद में भी शायद वो शुरू होगा। तो इसी दोनों चीजों को देखने के लिए हमारी टीम पहुंची थी और बड़ी मसरत के साथ वहाँ से हम रवाना हुए और हम मुबारकबाद देते हैं शाहीन अब्बास को और उनकी टीम को, जिस तरह से वो यतीम बच्चों और गरीब बच्चों का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ गो है कि ऐसे ही वो आगे बढ़े। हमारे एसोसिएशन के और जिम्मेदार आर के आजाद और मोहम्मद जावेद ने भी इनको मुबारकबाद दी, क्योंकि वो किसी वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच सके, लेकिन उनकी दुआएं और उनका साथ हमेशा इनके साथ रहेगा। क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। सारे लोगों की मेहनत है जो आपको ये नाथ ही नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए और इसी जज्बे को लेकर जो है आगे चलना चाहिए। बड़ी खुशी हुई, इंशाल्लाह फिर कभी हम आएंगे तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत अच्छी और प्यारी नात थी और इसी के साथ माँ का मर्तबा क्या है ये समझ में आता है, लेकिन उस्ताद का मर्तबा भी कोई माँ से कम नहीं, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और उस्ताद हमारा मुस्तकबिल संवारते हैं, दुनिया में जीना के तरीक़े बताते हैं, तो उस्ताद को भी माँ और बाप के दर्जात के हिसाब से ही देखना चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम डॉक्टर शाहीन अब्बास और अलियान मुजीब साहब का कि इन्होंने हमको इनवाइट किया, आप लोगों से मुलाकात करने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे, इल्म से नवाजे। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज। This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I am Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.